नमस्कार, न्यूज टाइम्स के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूँ तृप्ति। आइए नजर डालते हैं आज के जिले की खबरों पर। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने चैवासा के सिब्बुम स्पोर्ट्स एसोसिएशन मैदान में आयोजित कोल्हान प्रमंडल स्तरीय सम्मेलन में बूथ और शक्ति केंद्र के कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। उन्होंने कोल्हान के कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया, कहा कि धारा 370 हटने से जम्मू कश्मीर को विधानसभा और लोकसभा परिसीमन का लाभ मिलेगा। लद्दाख जैसे आदिवासी बहुल इलाके में आदिवासियों के लिए कम से कम एक लोकसभा और 7-8 विधानसभा सीट सुरक्षित होगी। कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा, कहा कि कांग्रेस 70 साल से 370 लगवा कर आदिवासियों का हक मार रही थी। देश की सीमा में मौजूद बकरवाल और गुर्जर आदिवासियों को इसका लाभ मिलेगा। पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की इच्छा शक्ति से कश्मीर बदल गया है। उन्होंने एक जन विरोधी कानून हटाकर 104 नए जन उपयोगी कानून लागू कर दिया। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि 370 एवं तीन तलाक का विरोध कर पाकिस्तान की वकालत कर रहे हैं राहुल गांधी। जेपी नड्डा ने भाजपा कार्यकर्ताओं को चुनाव जीत का मंत्र देते हुए कहा कि सिर्फ ऊपर की बात नहीं करें, अपने बूथ और जमीन की भी चिंता करें। एक कार्यकर्ता के तौर पर अपने बूथ के वोटों की कुल संख्या की पूरी जानकारी होनी चाहिए। अपने बूथ की हर महिला, पुरुष, युवा के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। अपने बूथ को इतना महत्वपूर्ण करें कि हर एक वोट बीजेपी को पड़े। भाजपा का हर कार्यकर्ता भाग्यशाली है क्योंकि वह भाजपा के लिए काम कर रहा है। भाजपा ही एक ऐसी पार्टी है जहां बूथ स्तर पर कार्यकर्ता पीएम से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष बनता है। भाजपा का कोई भी कार्यकर्ता राजनीतिक पृष्ठभूमि से नहीं आता, अपने मेहनत व कर्म से वह बूथ का अध्यक्ष बनता है। 2014 और 2019 में भारत की तस्वीर और तकदीर बदलने के लिए जनता ने हमें वोट दिया। पीएम जनता की आकांक्षा को पूरा करने में अपनी पूरी ताकत लगा रही हैं। राजनीति मेवा खाने की जगह थी, अपने परिवार में सत्ता का बंदर भाग करने की जगह थी, राजनीति अपने परिवार को बढ़ाने की जगह थी, राजनीति भ्रष्टाचार करने की जगह थी। यह मोदी जी ने भारतीय राजनीति की संस्कृति बदल दी। मेवा खाने दूंगा नहीं, सेवा के पीछे हटूंगा नहीं, इन बातों को बदलता है। लोगों की सेवा, अंतिम व्यक्ति की सेवा, अंतिम पायदान में खड़े व्यक्ति का को ध्यान में लेकर के काम करना किसकी सेवा कर सकती। और इसलिए आप सब लोग अपने आप को भाग्यशाली समझिए कि आपको भारतीय जनता पार्टी में काम करने का मौका मिल रहा है और आपको भारतीय जनता पार्टी में तब काम करने का मौका मिल रहा है जब 1952 से लेकर आज दिन तक करोड़ों कार्यकर्ताओं ने अपने तब से पार्टी को एक यशस्वी स्थान पर पहुंचाया है और तब आपको काम करने का मौका मिला है। इसमें उनको सौभाग्य है। यह धारा 370, आप बताइए हमारे कितने कार्यकर्ता नारा लगाते लगाते जीवन से चले गए। जहां हमें बलिदान कर दी वो कश्मीर हमारा है, वो कश्मीर हमारा है जो सारे का सारा है। एक देश में दो निशान, दो विधान, दो संविधान, दो प्रधान नहीं चले। आप बताइए कितने सालों साल में कितने लाखों कार्यकर्ता इस नारे को लगाते लगाते उनके जीवन मिला समाप्त। लेकिन आपको यह मौका मिला कि आप आने वाले 20 साल बाद अपने पोतों को कह सकोगे, बेटा तुम नहीं जानता हमारे सामने धारा 370 समाप्त हुआ था और कश्मीर पूरे का पूरा भारत के संविधान के अंतर्गत आया। ये कहने का मौका आपको मिलेगा, आपके पोतों को मिलेगा, क्योंकि आपने देखा कि किस तरीके से सवेरे धारा 370 खड़ी थी और 5 तारीख को 2019 अगस्त आदरणीय अमित शाह जी ने मोदी जी की इच्छा शक्ति थी
आदरणीय अमित शाह जी ने कहा, धारा 370 राष्ट्रपति के आदेशानुसार धारा 370 का आर्टिकल खंड A1B के तहत यह ऐलान किया जाता है कि धारा 370 से निकलने वाली 33A और 370 विलोपित कर दिया जाए और शाम तक धारा 370 धारा चाहिए। आप हमारे आदिवासी प्राइवेट मिनिस्टर हैं, प्राइवेट क्षेत्र देखते हैं, आपको मालूम है कि जम्मू कश्मीर में राष्ट्रभक्त जो सीमाओं में फौज के साथ मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर के सीमा की रक्षा करते हैं कौन है? वो हमारे गुर्जर भाई हैं, वो हमारे बकरवाल हैं, वो भारत की सीमा में फौज के साथ मिलकर सीमा की रक्षा करते हैं, वो आदिवासी हैं, वो ट्राइबल है। लेकिन जम्मू कश्मीर में से एक भी सीट लोकसभा में ट्राइबल नहीं है और एक भी सीट विधानसभा में ट्राइबल नहीं है, क्योंकि धारा 370 परिसीमन को रोकता था। यह धारा 370 चलिए हटिए, अब जाकर के परिसीमन होगा और कम से कम 7 से 8 सीटें विधानसभा में मिलेगी और एक सीट लोकसभा में मिलेगी। ये ताकत कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि कश्मीर के आदिवासियों के साथ 70 साल से घोर अन्याय हो रहा था। कांग्रेस कश्मीर में आदिवासियों के साथ अन्याय करती है और कुल्हान में आदिवासियों की हितैषी बनती है। कुल्हान के आदिवासियों ने कांग्रेस के गीता कोड़ा को लोकसभा में जिताया और उसने धारा 370 के हटाने के विरोध में वोट किया, जो सीधे कश्मीर के आदिवासियों के विरोध में है। सम्मेलन को प्रदेश अध्यक्ष लक्ष्मण गिलवा, नंदकिशोर यादव ने भी संबोधित किया। आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में आजादी के लंबे कालखंड में भारत ने जो स्थान प्राप्त किया है, राजनीतिक दृष्टि से, कूटनीतिक दृष्टि से, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र पर, अंतर्राष्ट्रीय जगत में, वही भारत अपने आप में स्वावलंबन हुआ है, आत्मनिर्भरशील हुआ है, आत्मस्वाभिमान के साथ आगे बढ़ा है। प्रत्येक नागरिकों में एक नया आत्मविश्वास, प्रत्येक नागरिकों में एक नया इच्छा शक्ति और इसके बल पर भारत तेजी के साथ 2014 के बाद जो यात्रा प्रारंभ हुई है उसके अनुसार अल्प विराम अवधि 2019 में पूर्ण प्रचंड शक्ति के साथ, पूर्ण बहुमत के साथ हम अपने भारत में आंतरिक कमियों को दूर करते हुए आत्मसंबल, आत्मस्वाभिमान के साथ स्वयं को विजय करते हुए भारत के तमाम नागरिक विश्व विजय के तरफ आगे बढ़ रहे हैं। उन आदिवासियों को हाथ न मिले, यहां के सांसद उसके खिलाफ में वोट कर रहे हैं। कांग्रेस ने धारा 370 वापसी के खिलाफ मतदान किया, आपके यहां के प्रति जब देश एक साथ संगठित होकर के ऐसे बहुत सारे दलगत नीति से ऊपर उठ करके बाहर आकर के धारा 370 वापस हो मतदान किया और इसलिए संसद में हमारी संख्या 303 की है, 303 की है, लेकिन धारा 370 जब वापस करने का निर्णय संसद कर रहा था तो संसदों की संख्या 370 हो गई। धारा 370 को वापस लेने का फैसला भी 370 से हुआ, दलगत नीति से ऊपर उठ करके लोगों ने किया, लेकिन कांग्रेस ने उसका विरोध बड़ा अत्यंत है। तो इस क्षेत्र के सांसद को आपने शायद इसीलिए चुना,
जो देश को तोड़ने वाला फैसला हो उसके खिलाफ न मानता, देश जो देश को संगठित करने वाला है उसके खिलाफ मानता। इसलिए मित्रों, इस विधानसभा के चुनाव में हम सब विशेष तौर पर सत्तावर सजग और मजबूती के साथ यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि कश्मीर से कन्याकुमारी एक है और भारत का तमाम सूबा, तमाम प्रदेश, तमाम राज्य सशक्त बने। भारतीय जनता पार्टी की जो सोच है, भारत का हर गांव मजबूत हो, भारत का हर नागरिक मजबूत हो, भारत का हर परिवार मजबूत हो। चाईबासा के विधायक दीपक बिरला की पहल पर चार गांव मृगलिंडी, सिरेंसिया, पाताहातू एवं लुफुंगुटू के कई महीनों से खराब पड़ा ट्रांसफार्मर बदला गया। विधायक ने आज इसका उद्घाटन किया। बिजली की समस्या दूर होने पर ग्रामीणों ने विधायक के प्रति आभार जताया। इस मौके पर विधायक ने ग्रामीणों की समस्या सुनी और समाधान का भरोसा दिलाया। इस मौके पर मुंडा सुनील कुमार देवगम, झामुमो प्रखंड अध्यक्ष सतीश सुंडी, नारायण देवगम, मनाराम कुदादा, पूनम गोप सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। पश्चिमी सिंहभूम चेंबर ऑफ कॉमर्स के सत्र 2019-21 के कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें प्रभात दुद्राचका को सर्वसम्मति से कार्यकारिणी सदस्य मनोनीत किया गया। बैठक में सदस्यता अभियान शुरू करने का निर्णय लिया गया। सदस्यता शुल्क ₹3,000 निर्धारित किया गया। चेंबर के सभी सदस्यों का पहचान पत्र बनाया जाएगा। बैठक में अध्यक्ष निरंजन अग्रवाल, महासचिव कुणाल सराफ, उपाध्यक्ष मनीष गुप्ता और अभिषेक दोद्राचका, कोषाध्यक्ष शंभु पिरोजिया, संरक्षक विकास चंद्र मिश्रा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। लायंस क्लब और भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति रांची के संयुक्त तत्वावधान में जिला प्रशासन के सहयोग से निशुल्क कृत्रिम पैर, हाथ एवं कैलिपर्स प्रत्यारोपण जांच शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 56 मरीजों की जांच की गई, जिसमें से 38 को प्रत्यारोपण के लिए चयनित किया गया। लायंस क्लब के अध्यक्ष श्रीकांत मुंडा ने बताया कि एक पखवाड़े के भीतर दूसरा शिविर लगाया जाएगा, जिसमें चिन्हित मरीजों को उनकी आवश्यकता के अनुसार उपकरण दिया जाएगा। शिविर में पहुंचे उप विकास आयुक्त आदित्य रंजन ने आयोजन की सराहना की। बजरंग दल के नेतृत्व में बजरंग दल युवा संस्कार सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इसके साथ ही विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और गौर रक्षा समिति का विस्तार किया गया। विश्व हिंदू परिषद का नगर अध्यक्ष कामदेव भगत, उपाध्यक्ष दिलीप मिश्रा, मंत्री सोनू जायसवाल, सहमंत्री प्रतीक सिंह को बनाया गया है। बजरंग दल का नगर संयोजक रितेश शर्मा, सह संयोजक रोहित श्रीवास्तव व बिट्टू यादव, गौरक्षा नगर प्रमुख सुधांशु और सह गौरक्षा प्रमुख प्रिंस राज को बनाया गया है। बैठक में विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष जगजीत सिंह, बजरंग दल के जिला संयोजक सुमित कुमार, सह संयोजक समीर पाल, हरकुलस ठाकुर, राजेश खंडेलवाल, आर्यन कुमार, रवि पोद्दार, अमित कुमार पोद्दार, विवेक कुमार सिन्हा सहित अन्य लोग उपस्थित थे। उपायुक्त अरवा राजकमल ने बताया कि जिले के नवयुवकों को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से आकांक्षी जिला निधि मद की राशि से चाईबासा शहर के पाताहातू में एक आवासीय प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना की जा रही है। पूर्व में इसके लिए निविदा आमंत्रित की गई थी। निविदा में चयनित प्रथम फाउंडेशन के साथ आज करार को अंतिम रूप दिया गया है। एमओयू पर हस्ताक्षर करने के दौरान जिले के उप विकास आयुक्त आदित्य रंजन एवं प्रथम फाउंडेशन के सदस्य उपस्थित रहे। उपायुक्त ने कहा कि प्रति वर्ष इस केंद्र से 480 नवयुवकों को प्रशिक्षित किया जाएगा, जिसमें 240 ऑटोमोबाइल क्षेत्र में एवं 240 इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्र में प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसमें प्रति बैच 60 युवकों को 3 महीने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण मुफ्त एवं आवासीय होगा। करार की शर्त के मुताबिक 7%
प्रशिक्षित युवकों को रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। नेशनल स्किल डेवलपमेंट सेंटर से मान्यता प्राप्त संस्थान के रूप में इस केंद्र को विकसित करना होगा एवं उसी मान्यता के आधार पर प्रमाण पत्र प्रशिक्षुओं को दिया जाएगा। चाईबासा जिला में आकांक्षी जिला नीति के माध्यम से अताहतु में एक ऐसे प्रशिक्षण सेंटर स्टार्ट करने वाले हैं जिनके माध्यम से हर साल 480 प्रशिक्षुओं को वहाँ प्रशिक्षण दिया जाएगा। 240 ऑटोमोबाइल में, 240 इलेक्ट्रिशियन के रूप में पूरे साल में ट्रेनिंग प्राप्त करेंगे। हर बैच 3-3 महीने का ड्यूरेशन का होगा और इसमें 60 ऑटोमोबाइल और 60 इलेक्ट्रिशियन का ट्रेनिंग दिया जाएगा। तो प्रथम फाउंडेशन जो एक रिप्यूटेड संस्था के रूप में एजुकेशन और स्किल डेवलपमेंट सेक्टर में जाना जाता है, इस जिला के लिए उसी सेंटर के माध्यम से वही सिलेक्ट हुए और उनका पूर्व कई सारे राज्यों में भी काम करने का अनुभव भी उनसे प्राप्त है। तो हम लोगों को उम्मीद रहेगा, तो MOU के टर्म्स के अनुसार 70% लोगों को उनको नौकरी देना है और NSTC नेशनल स्किल डेवलपमेंट काउंसिल है उनसे मान्यता प्राप्त संस्थान के रूप में उसको विकसित करना होगा और उस मान्यता प्राप्त सर्टिफिकेशन भी सभी प्रशिक्षुओं को देने की ज़रूरत होगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इतने सारे ट्रक्स, इतने सारे व्हीकल्स हम इस जिला में देखने के लिए मिलता है, लेकिन कहीं गाड़ी के रिपेयरिंग की ज़रूरत पड़ता है तो आसपास में कोई गैराज या कोई मैकेनिक ससमय नहीं मिलते हैं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इलेक्ट्रिशियन के रूप में और ऑटोमोबाइल मैकेनिक के रूप में जो प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे उनका अच्छा उज्ज्वल भविष्य होगा और इस जिला के विकास में एक स्पेशल माइलस्टोन के रूप में साबित होगा। उप विकास आयुक्त ने बताया कि जिले में कौशल विकास हेतु कई कार्य पूर्व से संचालित किए जा रहे हैं, लेकिन 3 महीने की समयावधि में युवाओं को प्रशिक्षित करने का कार्य जिला प्रशासन प्रथम फाउंडेशन के माध्यम से करने जा रहा है। इस प्रशिक्षण केंद्र का मूल उद्देश्य कम समयावधि में युवाओं को प्रशिक्षित कर रोजगार हेतु स्वावलंबी बनाना है। जिले में ऐसे तो स्किल डेवलपमेंट में काफ़ी कार्य ऑलरेडी चल रहे हैं, हमारा कौशल कॉलेज चल रहा है NM के लिए और अन्य भी चल रहे हैं IT वगैरह, पर शॉर्ट टर्म कोर्स जो कि सिर्फ 3 महीने में हम लोग युवाओं को ऐसा स्किल डेवलप कर दें कि वो अपना स्वरोजगार और साथ साथ रोजगार प्राप्त कर सके, उसके लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रिकल इन दोनों के ट्रेंड लोग ये लोग नहीं मिलते हैं, तो हम लोग फ्री ट्रेनिंग पूरे जिले में युवाओं को देने का कोशिश कर रहे हैं। पूरे जिले भर से सभी युवा जो 8वीं पास हैं उनका एक टेस्ट होगा, माइनर टेस्ट, ताकि बेसिक मैथ्स उनका थोड़ा अच्छा हो, ताकि ट्रेनिंग लेने में आसानी हो। उन लोगों को हम लोग 3 महीने की ट्रेनिंग देंगे और साथ ही साथ प्रथम फाउंडेशन जो है वो ट्रेनिंग पार्टनर है हमारा, पाताहतु में जो सेंटर शुरू होगा, 3 महीने बाद इनको प्लेसमेंट भी देना है 70% से ज़्यादा लोगों को। तो आशा है कि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार हो और जो लोग बच जाएंगे उनको स्वरोजगार का अच्छा माध्यम चाईबासा में ही मिल सके। समाहरणालय सभागार में उपायुक्त अरवा राजकमल की अध्यक्षता में वार्षिक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट मदरसा, मध्यमा एवं इंटरमीडिएट व्यावसायिक परीक्षा तथा संपूरक माध्यमिक एवं इंटरमीडिएट परीक्षा 2020 हेतु केंद्र चयन समिति की बैठक की गई। बैठक में जिला शिक्षा पदाधिकारी नीरजा कुजूर, चैमासा विधायक दीपक बिरवा, सांसद प्रतिनिधि त्रिशानु राय आदि उपस्थित रहे। उपायुक्त ने बताया कि पिछले साल की तरह इस बार 2020 में आयोजित होने वाली मैट्रिक परीक्षा हेतु 41 सेंटर एवं इंटरमीडिएट परीक्षा हेतु 19 सेंटर पर आम सहमति प्रदान की गई। इस बार 10वीं की परीक्षा में जिले से 17,556 छात्र एवं छात्राएं एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा में 81,088 परीक्षार्थी शामिल होंगे। अभी के लिए बस इतना ही, कुछ और खबरों के साथ हम फिर हाजिर होंगे, तब तक न्यूज टाइम्स की पूरी टीम को दीजिए इजाजत, नमस्कार।